तो काला सागर में हलचल तेज है। यूक्रेन और रूस के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा गया है। दोनों ही देश काला सागर पर कब्जे के लिए एक दूसरे पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। सवाल है कि काला सागर की अहमियत क्या है? ऐसी क्या बात है कि इस ब्लैक सी के लिए इतनी घमासान लड़ाई चल रही है, जो अमेरिका भी जंग में कूदने को तैयार है? काला सागर में महायुद्ध, रूस और यूक्रेन आमने सामने। अमेरिका की दबे पांव एंट्री, काला सागर पर कब्जे के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेचैन, इसलिए उन्होंने काला सागर में रूसी नौसेना के बेड़े को एक्टिव कर दिया है। 13 वॉरशिप को तैनात किया गया है। काला सागर के किनारे वाले इलाकों पर रूसी सेना कहर बनकर टूट रही है। ओडेसा में तो रूसी सेना एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रही है। काला सागर को लेकर पुतिन इतने आक्रामक इसलिए हैं क्योंकि काला सागर के करीब बसे यूक्रेन के खेरसोन, मारियोपोल और ओडेसा शहर अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम हैं। यूक्रेन 70% सामान का आयात और निर्यात ओडेसा पोर्ट से करता है। काला सागर के करीब मारियोपोल में यूक्रेन के सबसे ज्यादा स्टील प्लांट हैं। काला सागर के करीब की मिट्टी बेहद उपजाऊ है, जहां गेहूं की बंपर पैदावार होती है। रूस काला सागर के जरिए ही इटली और जर्मनी को तेल की सप्लाई करता है। यही वजह है कि यूक्रेन के इन तीनों इलाकों पर कब्जे के बाद रूस के लिए ये चैलेंज भी खत्म हो जाएगा। इस बीच अमेरिका ने भी युद्धाभ्यास के बहाने काला सागर में एंट्री कर ली। अमेरिकी नेवी सील्स और रोमानिया की स्पेशल फोर्स के जवानों ने काला सागर में एक ज्वाइंट ड्रिल में हिस्सा लिया, जिसमें दुश्मन के जंगी जहाजों पर छापेमारी का अभ्यास किया गया। उससे भी अहम बात यह है कि काला सागर रूस के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि 6 देशों की सीमाएं काला सागर से लगती हैं, जिसमें 3 नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए रूसी सेना काला सागर में अपना प्रभुत्व चाहती है। ब्लैक सी को गेटवे ऑफ एशिया और यूरोप कहा जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोप और एशियाई देशों का ज्यादातर व्यापार इसी रास्ते से होता है। ब्लैक सी आगे चलकर कैस्पियन सागर और मरमारा सागर से भी जुड़ जाता है। ऐसे में सिर्फ एशिया और यूरोप नहीं बल्कि मिडल ईस्ट के कई देश भी इस रास्ते से जुड़ जाते हैं। रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चाल चली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ रूस ने उसे लैंडलॉक देश में तब्दील करने का पूरा खाका तैयार कर दिया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके रूस यूक्रेन को ऐसे देश में तब्दील कर देगा जिसका समुद्री तटों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आइए आपको इस मैप के जरिए बताते हैं क्या है पुतिन का माइंड गेम। रूस ने जंग से पहले यूक्रेन के पूर्व में लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। वहीं रूस ने ज़ापोरिज़्या, मिकोलाइव और ओडेसा पर हमले तेज कर दिए हैं। खेरसोन पर रूस ने कब्जे का दावा किया, और इस तरह से इन सभी प्रांतों पर अगर रूस का कब्जा हो जाता है तो काला सागर से यूक्रेन का नाता खत्म हो जाएगा। दक्षिण में क्राइमिया पर भी रूस का कब्जा है, और इसी के चलते दक्षिणी हिस्से में अजोव सागर से यूक्रेन का संपर्क कट चुका है। रूस ने यूक्रेन से लगते मोल्दोवा में भी विद्रोहियों का समर्थन किया, और यही वजह है कि दक्षिणी पश्चिम और पूरा दक्षिणी हिस्सा यूक्रेन का विरोधी रहा है। इस तरह से जब काला सागर और अजोव सागर से यूक्रेन का नाता टूटेगा तो एक लैंडलॉक देश में तब्दील हो जाएगा, जो पुतिन चाहते हैं। काला सागर पर रूस के कब्जे का इतिहास बेहद पुराना है, जब रूस ने बैटल ऑफ पोल्तावा लड़ी थी। इसके बाद तुर्की, जर्मनी भी काला सागर में रूस से जंग लड़ चुके हैं, और अब यूक्रेन ने अपने बचाव में रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काला सागर में यूक्रेन और रूस की जंग से भारत का समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा, क्योंकि भारत काला सागर के जरिए सालाना करीब 3400 करोड़ रुपए का कारोबार करता है।